अरे यहाँ जब कोई निगल है ही नहीं है, कुछ काम है ही नहीं निगल, तो क्यों यहाँ ड्रामा हो रहा है? ये सब बीजेपी सप्ताह में आने के लिए ड्रामा कर रही है। क्या मोदी, अमित शाह या जाके दिल्ली के जो बीजेपी के लीडर, उनको ओखले नजर आ रहा है? सरकार तुम्हारी, एमसीडी तुम्हारी, केंद्र तुम्हारी, तो लिखा रहो ना, कहाँ है रोहिया, कौन रोक रहा है तुम्हें? पावर नीचे से लेके ऊपर तक तुम बैठे हुए हो। हिंदुस्तान के लोगों को भी रोहिया बना दो। मैं भी मथुरा ब्रजवासी हूँ, मेरा भी नाम शरीफ प्रधान है, नाम शरीफ है ना, डाल दो जेल में। सब बीजेपी ये दिखाना चाहती है हम सप्ताह में आना चाहते हैं, डराना चाहती है ओखला विधानसभा को। ओखला विधानसभा डरने वाला नहीं है, लाशें बिछ जाएंगी पर डरेगा नहीं, और गलत के लिए कभी आगे आएगा नहीं। सही चलेगा तो उसका समर्थन करेंगे, और गलत चलेगा तो उस पर जान दे देंगे, ये कार्रवाई करेंगे हम। 15 साल से यहाँ पे एमसीडी में कौन है? बीजेपी की सरकार है। कहाँ सो रही थी जब पैसे ले लेके दल्ला बनवाते हैं, जब कहाँ थे वो दल्ले? गलत है तो बिल्कुल तोड़ा जाए। जो गलत था हमारे विधायक साहब ने परसों हटवाया, उसके पास मेरी मौजूद वीडियो है, मेरे पास भी तिरंगा दिया गया, मैसेज लेना चाहता हूँ। हमारे देश की बात है, उन लोगों ने हमारी बात को समझा, बहुत अच्छी बात है। सरोजिनी नगर चले जाइए, लाजपत नगर चले, करोल बाग चले जाइए, आप चांदनी चौक चले जाइए, किस जगह नहीं है, तो एक इसी एरिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं किशन मालान और खबर इंडिया की टीम अब उसी जगह मौजूद, शाहीन बाग में मौजूद है, जहां पर पिछले लंबे समय से लगातार नोटिस दिया जा रहा था कि अब शाहीन बाग में अतिक्रमण को हटाया जाएगा और अवैध घुसपैठियों के अतिक्रमण को निकाला जाएगा। अब यहाँ पर बुलडोजर पहुँच गया है। मैं आपको अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ में यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी हुई है, बुलडोजर चलने की तैयारी में। मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर एमसीडी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था कि 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा, आज उसी के तहत में यहाँ पर ये बुलडोजर पहुँचा है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और माहौल को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। भाई साहब, आपको एक बात बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे सारे दल हैं यहाँ पे, मगर दलों के पीछे एक भैया चाह रहा है यहाँ पे, और वो भैया चाह रहा है हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, मगर एक ही ओखला विधानसभा को टारगेट क्यों? क्या मोदी, अमित शाह या जाके दिल्ली के जो बीजेपी के लीडर, उनको ओखला ही नजर आ रहा है? ओखला के अलावा कोई हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को? ओखला का टारगेट क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि ये ओखला को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्यों यहाँ मुस्लिम रहते हैं? मुसलमान को घर को उतरवाना चाहते हो आप, हैं? क्यों नहीं उतरवाना चाहते और दूसरे क्षेत्र में आप जहाँ मुस्लिम है? अरे मैं कहता हूँ गलत तो सभी कर रहे हैं। जब कहाँ सो रही थी बीजेपी की सरकार, जहाँ बीजेपी दिल्ली के अंदर में एमसीडी में कौन है? बीजेपी तो है, तो क्यों नहीं आई बीजेपी जब तुड़वाने के लिए इनको? क्यों बढ़वाया था इन्होंने बीजेपी को? और आज इतना बड़ा ड्रामा किया है हिंदुस्तान के अंदर में कि पूरे मीडिया दिखा रही है, तो क्या ये जो पेड़ बंधी थी, पेड़ को तुड़वाने आई थी यहाँ पे ये 4 दिन? क्या की दिखाने लाई थी बिल्डरों को? अरे यहाँ जब कोई निगल है ही नहीं है, कुछ काम है ही नहीं निगल, तो क्यों यहाँ ड्रामा हो रहा है? ये सब बीजेपी सप्ताह में आने के लिए ड्रामा कर रही है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, निकालो ना, कौन रोक रहा है उन्हें? सरकार तुम्हारी, एमसीडी तुम्हारी, केंद्र तुम्हारी, तो निकाल रहा हूँ ना, कहाँ है रोहिंग्या, कौन रोक रहा है तुम्हें? पावर नीचे से लेके ऊपर तक तुम बैठे हुए हो, तो आज सब रोहिंग्या ही हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान के लोगों को भी रोहिंग्या बना दो। मैं भी मथुरा ब्रजवासी हूँ, मेरा भी नाम शरीफ प्रधान है, नाम शरीफ है ना, डाल दो जेल में, क्यों नहीं डालना चाहते, हैं? इतना ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर में भैया चाह रहा था। मैं ब्रज का हूँ, मथुरा ब्रजवासी हूँ, मेरे अंदर भी दादा परदादा हिंदू थे, आज मुस्लिम हो गए थे, तुम उनसे दुश्मनी? क्यों दुश्मनी? अरे ये भी तो तुम्हारे भाई हैं। अगर जे मैं कह रहा हूँ एमसीडी ने बना दिया और तोड़ दिया, क्या किया ये हाई ड्रामा? कुछ नहीं किया। सब बीजेपी ये दिखाना चाहती है हम सप्ताह में आना चाहते हैं, डराना चाहती है ओखला विधानसभा को। ओखला विधानसभा डरने वाला नहीं है, लाशें बिछ जाएंगी पर डरेगा नहीं, और गलत के लिए कभी आगे आएगा नहीं। अगर कुछ गलत किया है तो आप हम तोड़वाएंगे उसे, हम तोड़े बताओ ना, नोटिस क्यों नहीं दे रहे हो आप? नोटिस दो ना, अगर मेरा मकान गलत है नोटिस दो, साले को तोड़वाओ। चलेगा तो क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं होगा। विरोध क्या होगा? सही चलेगा तो उसका समर्थन करेंगे, और गलत चलेगा तो उस पर जान दे देंगे, ये कार्रवाई करेंगे हम। मन्ना तो जानते हैं,
मानना ही तो चाहते हो तुम, तो बिल्डोजर के नीचे आके मर जाएंगे। मारो भाई, आज 25-30 साल से हम आए हुए हैं, बाहर के लोग हैं हम लोग, यहाँ पे बड़ी मेहनतों से अपना मकान बनाया है, आज तुम इन्हें तोड़ने आ रहे हो। 15 साल से यहाँ पे MCD में कौन है? BJP की सरकार है। कहाँ सो रही थी? जब पैसे ले लेके दल्ला बनवाते हैं, जब कहाँ थे वो दल्ले? कहाँ थे वो? क्यों नहीं आए यहाँ पे इसे रोकने के लिए? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ दल्लों से कि जब यहाँ पे काम चल रहा था वो दल्ले कहाँ थे? क्यों नहीं रोका इनको? रोकना चाहिए ना। MCD की सरकार है यहाँ पे, BJP में, आम आदमी की नहीं है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी का हूँ, दिल्ली प्रदेश पदाधिकारी हूँ, पर मैंने कभी नहीं रोका। अगर मैं निकलूँ गलत हूँ, तोड़िए, हम खड़े होकर तोड़वाएंगे आपको। मगर आप ये दादागिरी ढराकिट करोगे तो डंडे वाले नहीं है ओगला विधानसभा। ये मैं मैसेज दे देना, पैसा देना मेरा, कि डंडे वाले नहीं है। गलत के साथ तो हम बिल्कुल ना खड़े होंगे, और सही से पीछे मरने से डरेंगे नहीं। अगर कोई डरा के हमें मारना चाहे तो मरेंगे तो 10-20 जने लेके मरेंगे, अकेले नहीं मरेंगे। गलत कार्रवाई होगी तो माहौल ठीक नहीं रहेगा, गलत कार्रवाई होगी तो माहौल ठीक नहीं होगा, 10-20 मर जाएंगे हमारे जैसे। हम तो पहले मरने तैयार खुद हैं, दूसरे को जब मारेंगे। आपको लग रहा है कि दूसरे चश्मे से बुलडोजर की निगाह देखी जा रही है? सब दूसरे चश्मे से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कानून कार्रवाई की जा रही है ना, ये सब डराया जा रहा है। ये मार ही तो सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या? ये मारने के अलावा कुछ और कर सकते हैं? ये तो मारो ना यार, सरकार तुम्हारी, केंद्र तुम्हारी, जेल में डालो ना, गोली मारो ना यार। मगर तुम गलत करोगे, जो बिल्डिंग बनी हुई है 15 साल की, तुम्हारी MCDA क्यों नहीं तोड़ी थी जब से? अब चुनाव आ रहे हैं ना, ये सब ड्रामा है, ड्रामा, BJP का ड्रामा, सब के लिए ड्रामा है। अगर हम जो कह रहे हैं, मेरा मकान है और मेरा निगल बना हुआ है, तो आप पहले नोटिस दीजिए, मौका दीजिए उस आदमी को बोलने का। जब तुम नोटिस दोगे नहीं, आगे बिल्डोजर, और फिर आज जो हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप ही बताइए मुझे, आप पत्रकार हैं, आप पढ़े, आज जो हुआ है, क्या ये खाली 4 दीवार हटाने के लिए आए थे? जो पेड़ लगी थी, पेड़ को हटाने आए थे ये? इतना मैट, अरे कौन सी निगल है आप बताइए ना, आप हमें बताइए, साल हम खड़े उतर पाएंगे। क्या नाम भैया आपका? भाई मेरा नाम सलीम है। कैसे देख रहे हैं शाहीन बाग में बुलडोजर आया है और यहाँ चलने की तैयारी है, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं नहीं बता पाऊँ। मेरा नाम राव इकरार है। तिरंगा लेकर के यहाँ क्यों आया? तिरंगा लेके इसलिए आओ, अपनी खुशी के लिए आओ। जो लोग आए थे वो चले गए, प्रशासन ने हमारा साथ दिया, बस। प्रशासन ने क्या साथ दिया? साथ लेकर हाँ तो चले गए वो, जो उनका काम था उन्होंने करा, हमारे लिए जो अच्छा था वो हमने करा। शाहीन बाग में अगर बुलडोजर चलने की बात आती है तो उसमें अतिक्रमण हटाने की बात आती है, उसमें विरोध क्यों? विरोध तो इसलिए है ना, मतलब अगर जो हमारी जगह है उसे तोड़ा जाएगा उसके लिए है ना जी। अगर वो गलत है तो? गलत है तो बिल्कुल तोड़ा जाए। जो गलत था हमारे विधायक साहब ने परसों हटवाया, उसके पास मेरी मौजूद वीडियो है, मेरे पास भी, परसों हटवा दिया। बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई को जब देख रहे, अगर हमारी जगह तोड़ा जाएगा तो इस तरह तो देख रहे। तिरंगा लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? तिरंगा देकर मैसेज लेना चाहता हूँ, हमारे देश की बात है, उन लोगों ने हमारी बात को समझा, बहुत अच्छी बात है। बात को समझा जी? क्यों भैया लग रहा है बात को समझा है? अब पता नहीं, बात नहीं, बात तो समझी होगी तभी तो आया है यहाँ पे तोड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई को, कैसे देख रहे हैं शाहीन बाग? अभी इतना तो कहना मुश्किल है, तो पता पड़ेगा जब जो सरकार ने तो सही करा होगा जो कर रही है। ठीक है, बाद में मोहम्मद सुलेमान खान। कैसे देख रहे हैं इस बुलडोजर की कार्रवाई को? नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन जो वाकई अतिक्रमक है वो हटना चाहिए, लेकिन अगर वो नाजायज हो रहा है तो वो गलत है। नाजायज क्या हो रहा है? अगर उसे जायज चीज़ को अगर वो कह रहे हैं ये अतिक्रमक है तो वो नाजायज है, तो वो गलत है। नोटिस एक बात सुनिए, ये कहाँ पे नहीं है? सरोजिनी नगर चले जाइए, लाजपत नगर चले, करोल बाग चले जाइए, आप चांदनी चौक चले, एक किस जगह नहीं है, तो एक इसी एरिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेन बात ये कि इसी एरिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? करना है तो सब जगह कर हटाइए ना, बिल्कुल, और हटा रहे हैं, ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल नहीं हटा, हटा भी रहे हैं, लेकिन जो जायज़ है वो हटना चाहिए। उसके हम फेवर। ये कहना कितना ठीक है कि भाई अगर यूपी में गलत हो रहा था इसलिए दिल्ली में भी गलत होना चाहिए? नहीं, तो ये तो गलत नहीं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो सही नहीं है।